तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। ये कहता है, प्रॉब्लम पढ़ो। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होता है? ये होता है N=1 ग्राउंड लेवल। ठीक है, और N=2 ये जो होती है वो होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है N=2, और N=3 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो ये बात आपको हम ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, चलो इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, इलेक्ट्रॉन को रहना यहीं पे पसंद है। कहता है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द जीरो इन द ग्राउंड स्टेट। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन ही बदल दिया गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया गया। ठीक है, जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि ग्राउंड पे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी है? जीरो लेनी है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें सेट कर देना है पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो देखो, जब जो भी डेरिवेशन हुआ था, फार्मूला जो भी डिराइव हुआ था, उन सब में इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तो मान के डिराइव हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड लेवल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो करूँगा, ये N=1, 2, 3, 4 इन सब का पोटेंशियल एनर्जी, इवन इन्फिनिटी का पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी है वो सब बदल जाएगा यार। कैसे बदल जाएगा, चलो करके देखते हैं। जब इन्फिनिटी पे जीरो था इनिशियली, तब कितनी थी एनर्जी लेवल? जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तो एनर्जी लेवल कितनी थी बोलो? तो एनर्जी लेवल जो थी वो थी, ये इसकी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी -08.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी का जो एनर्जी था वो जीरो था। ठीक है, N=1, N=2, N=3, N=4 और N=∞ का। तो ये तो तब था जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो था। चलो, तो अब देखो, फर्स्ट इन्फिनिटी पे जीरो था। अगर मुझे ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल, ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, व्हाट टाइप ऑफ दिस एनर्जी, जो ये एनर्जी लिखी गई है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो किस टाइप की एनर्जी लिखी गई है बता सकते हो? तो ये जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है इधर, और इसको रट लो, याद कर लो, जैसे भी करना है कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना होगा, टोटल एनर्जी तो दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यार? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, और 2 टाइम्स टोटल एनर्जी कितनी है ग्राउंड की? 13.6 है। तो ये अगर 13.6 है तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 27.2 आ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तब। अब यहाँ से तो अब एक नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर क्यों चेंज करते हैं भाई? थोड़ा नयन सुख आंखों को अच्छा लगता है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट ग्राउंड। ठीक है ना, ग्राउंड पे हमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना है। तो ये जो इक्वेशन ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इसको जीरो करूँ, कैसे जीरो करूँगा यार? इसको जीरो करने का तरीका है कि इसमें 27.2 है तो इसमें +27.2 ऐड कर दो। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी नया बना, जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी बना, वो क्या हो जाएगा बोलो? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कैसे जीरो हो जाएगा? +27.2 जोड़ना पड़ेगा। इस हिसाब से अब जितनी भी ऑर्बिट थी सब में एनर्जी लेवल चेंज हो गया होगा, क्योंकि सब में हमने +27.2
+27.28 कर दिया, +27.28 कर दिया, +27.28 कर दिया, +27.28 किया। अब इन्फिनिटी पर भी +27.2 टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई होगी। पहले इन्फिनिटी पे कितनी थी? जीरो थी। अब इन्फिनिटी पे कितनी हो गई? 27.2। तो इस तरह से हर एक आर्बिट की एनर्जी लेवल बदल चुका होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हमें आ जाओ काम की बात, जो हमें पूछा है। तो ये पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी पूछा है। हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी पहले कितना था भाई? न्यू एनर्जी ऑफ एन इज इक्वल टू टू का, तो पहले कितना था? पहले कितना देख लो, पहले कितना था? तो पहले था फर्स्ट 3.4 था, और इसमें मैं 27.2 ऐड कर दूंगा, तो 27.2 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 23.8। तो 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दिस इज द न्यू एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।